रहीम दैट द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक ऑन टू डे इज़ फ्राम एनिमल फ़िजियोलॉजी बी एस जोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर और uh, जिस किताब को हम फॉलो करें वो रियाजुल हकरामी की बुक है और इसमें हमने पढ़ना ये है कि ऑर्गेनिज़म्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनकी वर्किंग कैसे होती है उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है फिजिलॉजी का मतलब ये है लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली uh, एनिमल्स को रेफ़र करें तो इट मीन्स के एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चर उनकी फंक्शनिंग uh, कैसे होती है उसको स्टडी करें इस पूरे के पूरे कोड में हमने जो चीज़ें पढ़ है वो ये है कि आपका कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम रीनल सिस्टम पलमनरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सारे के सारे सिस्टम्स इनकी वर्किंग को हमने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग ऑफ या फिर फंक्शनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर राइट तो यहां पर इस कोर्ड में हमने ये चीजें पढ़नी है लेकिन जो पहला चैप्टर है दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी मैंने इसका होमस्टेसिस और कन्फॉर्मिटी एंड रेगुलरिटी वाले जो एक दो टॉपिक्स हैं वो स्किप कर दिए हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजोलॉजिकल अडाप्टशंस सेंट्रल थीम्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी इंटरनल एंड सेलुलर फंक्शनल फीचर्स ऑफ एंड ऑर्गेजम दट इनेबल दम टू सर्वाइव इन दर एन्वायॉयरमेंट आर कॉल एस फिज़ोलॉजिकल अडाप्टशन अच्छा अडाप्टेशन क्या होती हैं वो मॉडिफिकेशनस या वो तब्दीलियाँ जो किसी भी ऑर्गेजम को बेहतर तरीके से सर्वाइव करने में हेल्प आउट करती हैं उनको हम अडाप्टशंस बोलते हैं बट वैन वी टॉक अबाउट द वर्किंग या फिर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर uh, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शनिंग के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो उसको फिजोलॉजिकल अडाप्टेशन बोलेंगे Uh, different organisms have adapted to survive uh, uh, similar environmental challenges uh, uh, अगर आप organisms को environment जो भी हम जिस organism uh, जो भी organism किसी environment में रह रहे होता है ना उसके अंदर uh, like rapidly uh, या फिर gradually changes आ रही होती हैं तो वो कुछ uh, जो आपके पास animals होंगे वो अपने आप को उन चैलेंजस को फेस करने के लिए तैयार कर लेंगे लाइक दे एल मॉडिफाई दमसेल्व्स या फिर uh, बतदरीज खत्म होते जाएँगे इट प्रोवाइड यूजफल इन्फॉमेशन अबाउट पैटर्न ऑफ फ़िजोलॉजिकल एवोशन इट ऑल्सो गिज एडाप्टि वैल्यूज़ ऑफ़ द फ़ फिजोलॉजिकल प्रोसेस होता यह है कि अगर हम उन अडाप्टि वैल्यूज़ को या फिर जितनी मॉडिफिकेशन या जितनी एडवांसमेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो गई हैं अगर हम उनको देखेंगे तो हमें ईवोल्यूशन का पैटर्न भी समझ में आएगा यानी किट इज़ गोइंग फ्राम सिंपल टू कम्पलेक्स या फिर कित किस हद तक तब्दीलियाँ हुई हैं हमें उनके बारे में आइडिया हो जाएगा एनिमल फिजोलॉज फिजोलॉजिकल एडाप्टशन है Uh, basic themes. Some of these are structure-function relationship. Uh, function is based on structure. Obviously, when uh, you are studying about physiology, it's all about the function of a structure. structure uh, And that too on molecular level as well as organ level. तो फंक्शन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इट कैन बी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉग थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स परफॉर्म थ्री बेसिक फंक्शन इन द बॉडी ऑफ फ्रॉग दीज मसल हैव क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर अगर फ्रॉग जो है वो प्रडेशन का लाइक प्रोसेस हो रहा है कि फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है किसी छोटे जानदार को तो वो प्रोसेस किन चीज़ों को बॉडी के किन हिस्सों की फंक्शनिंग को इन्वॉल्व कर रहा है हम इस एग्ज़ाम्पल में वो चीज़ें पढ़ेंगे तो पहली चीज़ जो आपको नजर आती है वो है स्मूथ स्केलेटल मसल्स अ फ्रॉग लीप्स

प्लस uh, यानी कि गोश्त और हड्डियाँ ठीक है यानी कि अगर हम इंग्लिश में बोलें तो बोन्स प्लस मसल्स दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो ये uh, क्या करेगा अपनी स्केलेटल uh, मसल्स को इस्तेमाल करते हुए फ्लाई को uh, या किसी भी मौत वगैरह को कैप्चर करने की कोशिश करेगा ये थी वन टाइप ऑफ मसल्स दैट इज़ इन्वाल्व इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे दूसरी चीज़ क्या है स्मूथ मसल्स इट ईट्स फ्लाई देन स्मूथ मसल्स इन इट्स स्टमक स्टोली मिक्स द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक द न्यूट्रेंट्स डिराइव फ्राम द फ्लाई आर ऑब्जॉर्ब इन टू द ब्लड I'm Uh, क्योंकि फ़ूड कंज्यूम तो हो गया लेकिन इस फूड ने कहाँ जाना है डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना है और डाइजेस्टिव सिस्टम का uh, जहाँ पर इसका ब्रेक डाउन होना है वो मेजर uh, जो ऑर्गन है वो स्टमक होता है तो अब स्टमक के अंदर इसके स्मूथ मसल्स होंगे जो चर्निंग का प्रोसेस करेंगे यानी कि स्टमक की वॉल्स को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि सारे जो जो भी फूड प्रोडक्ट है वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तीसरी है कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल्स क्या करेंगे ये जो हार्ट uh, होता है ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी की पूरी बॉडी में ठीक है तो अगर ये न्यूट्रिटिव कंटेंट स्टमक से निकल रहा है तो ये अल्टीमेटली बहुत छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि ये छोटे पार्टिकल्स जो हैं फूड के या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिकल जो भी कंज्यूम हुए उन सबको बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए यहाँ पर आपके पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें फ्रॉग का एक मसल उठाया है आ, पहले ऑर्गेनिज्म और, लेवल था यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दिखाया फिर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ टांग का मसल जो उसकी हाइंड लिम्ब है उसका मसल दिखाया है फिर उसको आ, मजीद आ, आपको जूम करके दिखाया यहाँ पर जो चीज़ नोटिसबल है वो आपके पास छोटे छोटे जो है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप एक्टिन और मायोसिन कहते हो हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल में कि फंक्शन सिमिलर रिलेशनशिप आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट अदर टिश्यू लेवल्स जो आपने पीछे पढ़ा है ना फ्रॉग के केस में जहाँ पे वो अपने uh, प्रे को कैप्चर हैं तो इसी तरह का रिलेशनशिप आपको बोन्स में एपिथेलियल टिशूज़ में ग्रैंडल टिशूज़ में देखने को मिलता है जिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन एवरी टिशू इन द बॉडी ये सिर्फ हमने एक एग्ज़ाम्पल देखे थे डायजेस्टिव सिस्टम के हवाले से और हार्ट uh, को इन्वाल्व करने के हवाले से लेकिन और भी सिस्टम्स होते हैं और उनके दरमान भी इस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं फंक्शन डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर इट कैन भी डिमांसट्रेटेड बाई ऑल लेवल्स ऑफ बायलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वन वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट सिम्पलेट से सिम्पलेस्ट जो सिस्टम है बॉडी का उसके बारे में भी एंड वी आर टॉक ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कम्पलेक्स से कम्पलेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी एज वेल स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप्स आर एविडेंट एट द मेलेक्र लेवल ऑफ मसल टिश्यू Uh, यानी कि अगर ये आप सिर्फ रिलेशनशिप की बात करो जैसे आपने स्केलेटल मसल्स स्मूथ मसल्स वगैरह का देखा था वही आपको रिलेशनशिप स्ट्रक्चर और फंक्शन का मोलिकुलर लेवल पे भी नज़र आता है या मोलिकुलर लेवल पे भी नज़र आता है द मूवमेंट ऑफ मसल्स डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल एक्टिन मायोसिन हमारी जो बॉडी है ना uh, बल्कि दूसरे जो आपको नज़र आते हैं फ्रॉक की भी ठीक है दिस इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज़ वेरी लाइक कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है यानी कि ये सुकर भी सकता है या आपके डायलेट भी हो सकता है फैल भी सकता है सुकर भी सकता है तो ये आ, प्रोटीन क्या होते हैं ये आप समझ लो कि दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास कर रहे होते हैं उनके स्लाइड पास करने की वजह से कोई भी जिसम का हिस्सा जो है वो शॉर्टन हो जाएगा या लेंथन हो जाएगा ये तब्दीलियाँ कुछ उसके अंदर आ जाती हैं तो बोथ ऑफ दीज आर कंट्रेक्टाइल प्रोटीनस <coughs> नंबर वन ये प्रोटीन्स हैं नंबर टू मैंने अभी बताया है कि ये कंट्रैक्टाइल हैं अगर ये कंट्रेटाइल प्रोटीन ना होती ये फिक्सड होती हैं या रिजिड होते हैं तो आप बॉडी की जितनी भी मूवमेंट करते हो वो ना कर पाते ठीक है दीज प्रोटीस हैव स्पेसिफिक फंक्शन संस्थिति केन ईजीली इंटरेक्ट विद ईच अदर वन प्रोटीन मूवज़ ओवर द अदर ये मैंने अभी बता दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं आर दिस लिटरली स्लाइड पास जिसकी वजह से लेंथन होता है मसल या फिर शॉर्टन होता है दीज प्रोटीन मूवमेंट्स कॉज आज कंट्रेक्शन शॉर्टनिंग ऑफ एक्टिवेटेड इंडिविजुअल मसल तीस आर स्ट्रक्चुरल रिलेशनशिप्स बिटवीन लेग मसल्स एंड बोन्स अभी जो चीज़ हमने देखी है ना हमने स्केलेटल मसल को देखा है एज अ होल और उसके बाद हमने उसको ब्रेक ओपन किया है ठीक है फ्रॉग की सिर्फ और सिर्फ ये जो हाइंड लिप थी उसको ब्रेक ओपन किया फिर हमने उसकी ऑर्गन ऑर्गेनिज्मल से लेके आप देखोगी कि प्रोटीन लेवल पर जाके उसको स्टडी किया है तो दो, दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं ये आपके पास ऑर्गेनिज्म लेवल विच वाज़ द हाईली कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर और उसके बाद जब आप लो लेवल पे आए हो मॉलिक्यूलर लेवल पे तो आपने आके ये भी देखा है कि इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन है जो कि कंट्रैक्ट हो रहा है रिलैक्स हो रहा है तो वो एड कर रहा है आ, इसकी स्केल्टन मसल्स की फंक्शनिंग को आ, दिस प्रोसे प्रोड्यूस अ जम्पिंग मूवमेंट ओवरऑल ये दोनों जो कम्पलेक्सिटी और सिम्प्लिसिटी का जो प्रोसेस हैं ये या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन का जो रिलेशनशिप है ये फ्रॉग को मूवमेंट करने में हेल्प आउट करता है इट मूव द एंटायर बॉडी ऑफ द फ्रॉग द प्रिंसिपल दैट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इट स्ट्रक्चर इज अपलाइड टू होल रेंज ऑफ फिजोलॉजिकल प्रोसेस तो अगर दिस वॉज लाइक जस्ट फॉर द वन एग्ज़ाम्पल और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर यह फिजोलॉजिकल फिजोलॉजिकली स्ट्रक्चर और फंक्शन का रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आता है